हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो के दौरान कक्षा 11वीं का सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने वेक्टर को देखा, सदिश को देखा, उसके सदिश के कुछ गुण देखे, उसके रिजोल्यूशन को, घटकों को देखा हमने, तथा गुणनफल का अध्ययन किया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और एक था अपना स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, डॉट मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है सदिश गुणनफल होता है, डॉट मल्टीप्लीकेशन अदिश गुणनफल होता है। तो हमने गुणनफल के बारे में देखा, अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं अवकलन के बारे में, डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग हमारी होगी आज की अवकलन। अवकलन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो है बेटा बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है, और हमारी फिजिक्स को अगर डिफरेंशिएशन अवकलन यदि हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो हम फिजिक्स में काफी चीजों को यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। अवकलन को डिफाइन करने का मतलब है, अवकलन का मतलब है डी अपॉन डी एक्स। यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो नॉर्मल प्रचलित अवकलन है dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या होता है, फलन फलन y का x के सापेक्ष अवकलन, फलन y का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन y with respect to मतलब wrt मतलब with respect to x। देखो w with r respect t का मतलब to x। तो यहां पर dy upon dx का मान मतलब क्या हुआ कि मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा x के सापेक्ष, मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन करना ही dy upon dx हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि dy अपॉन dt है, इसका मतलब क्या हुआ कि y का t के सापेक्ष अवकलन। यदि dA अपॉन dB है तो a का फलन a का b के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b। तो dy अपॉन dx का मतलब आपको समझ में आया होगा क्या होता है, तो dy अपॉन dx हुआ। अब हम कुछ चुनिंदे फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे यहाँ ये जो y है, इस y को मैं बोलता हूं फंक्शन ऑफ x, मतलब यह x का फलन है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ये जो y है वो x का फलन है। ओके तो यहां पर अब ये जो फलन है, यह फलन कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो जितना हमारे कोर्स में आता है उतने फलन हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको और अच्छे से फंक्शन को देखना है या डिफरेंशिएशन को देखना है तो आपको मैथ की क्लास लेनी चाहिए। तो हमारे फिजिक्स में जितने काम की चीजें हैं उन सभी चीजों को मैं आपके समक्ष रख दूंगा। तो इसी दौरान हम बात करते हैं, यदि कोई फलन x की पावर n है, यहां पर बहुत सारे फलनों की बात कर रहा हूं, यदि कोई फलन y बराबर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, x की पावर n है तो पावर जो n है वो आगे आ जाएगी और x की पावर जो n है वो -1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा dy अपॉन dx का, x n x की पावर 5 सॉरी n x की पावर n -1। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि कोई एग्जाम्पल है y बराबर x की पावर 5, यहां पर एग्जाम्पल ले लिया y बराबर x की पावर 5,
तो यहां पर इसका डीवाई बाई डी एक्स अपन कैसे निकालेंगे, तो यहां पर सिंपल है एक्स की पावर 5 है, ये 5 आगे आ जाएगी और जो 5 पावर है वो 1 माइनस हो जाएगी, तो डीवाई बाई डी एक्स होगा एक्स की पावर 4। आप देख सकते हैं यहां पर ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के आधार पर मैंने y बराबर x की पावर 5 पर dy by dx फाइंड आउट किया और वो dy by dx 5x की पावर 4 आ रहा है। तो फिर हमने यहां पर एक बात की पता की बेटा, ये जो पहला फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। यदि y की पावर, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट कि y बराबर फंक्शन है tan x की पावर 10 है, tan x की पावर 10 है y बराबर कोई फंक्शन, तो आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा वाला 10 है ना, ये एक्स्ट्रा वाला 10 कांस्टेंट है, नियत है, जो हमारे फलन के साथ गुणा में है, तो इस 10 को हमें नहीं छेड़ना है। इसका dy by यदि dx अपन फाइंड आउट करते हैं तो मेरा dy by dx 10 का नहीं होगा, मेरा dy by dx x की पावर 10 का होगा। अब x की पावर 10 है तो ये 10 जो है वो आगे आ जाएगी और x की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां पर x की पावर 10 है तो 10 तो आगे आ गया और x की पावर 9 हो गई। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और x की पावर 9 आ गई। तो अब आपको समझ में आया dy by dx हम कैसे फाइंड करते हैं x की पावर n का, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम्पल तो मैं आपको करवा दूंगा बट ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाकर याद कर लेना, ओके? अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम देखेंगे कि फलन कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फलन में देखते हैं अपन विशेष जो फलन है उन्हीं की चर्चा करेंगे, वाई बराबर साइन एक्स। यदि y बराबर साइन x है तो इसका फलन जो हो जाएगा dy by dx और यहाँ साइन का जो हो जाएगा cos हो जाएगा, तो dy by dx cos x होगा। यदि यहाँ पर कोई फंक्शन जो है वो y बराबर cos x है, क्या है बेटा cos x, तो इसका फंक्शन dy by dx यदि अवकलन लेता हूं तो यह अवकलन माइनस साइन x हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, यहां पर dy by dx जो होगा cos का वो क्या होगा माइनस साइन x हो जाएगा। अगर मैं अगली बात करूं तो अगली यहां पर बात करता हूं कि मेरा यदि कोई फंक्शन y बराबर tan x है, क्या है tan x, तो उस केस में dy by dx जो है वह sec स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। अगर मैं और थोड़ी आगे बात करूं तो मेरा यदि यहां पर बेटा ये ध्यान रखना, ये तीन फॉर्मूले जो हैं, तीन फंक्शन बहुत ही पूछते हैं और आपके फिजिक्स में भी काम में आ सकते हैं, कौन से साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का माइनस साइन हो जाता है और जो टेन है उसका सेक स्क्वायर हो जाता है। अब मैं अगर कोई एक्सपोनेंशियली फंक्शन की बात करूं, सपोज दैट वाई बराबर ई की पावर एक्स है, y बराबर e की पावर x है तो उसका अवकलन dy by dx जो है वो सेम ही होता है। मतलब क्या, मतलब e की पावर x ही होगा, ये y बराबर x की बात करूं। अगर मैं और थोड़ी बात करूं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके? अगर मैं थोड़ा और चलूं आगे तो फंक्शन 5 हमने देखे फंक्शन, और अब मैं छठे फंक्शन की बात करता हूं तो छठे फंक्शन में मेरा ये छठे फंक्शन है, अगर मेरा कोई फलन y बराबर log x है, यदि मेरा कोई फलन या फंक्शन y बराबर log x है तो उसका dy by dx क्या होगा, उसका dy by dx होगा 1 upon x, क्या होगा बेटा 1 upon x। तो मोटे मोटे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन और मेरी जो बात है वो अब कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात अब और आगे चलेगी, ध्यान से सुनना। सातवां पॉइंट,
अब जो मैं अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो तो आपको पता रखने ही हैं, लेकिन अब जो चीजें बता रहा हूं जो एक या तो आप अन्य तथ्य के रूप में लिख सकते हो, ये तो मैंने फॉर्मूले बता दिए, अब मैं जो चीज बताने वाला हूं वो विशेष ध्यान रखना। तो सातवें से अपनी ग्रोसरी से चीजें शुरू हो रही है। तो अगर मैं बोलता हूं कोई फंक्शन पहले क्या होता था, एफ ऑफ एक्स ही होता था ना, लेकिन अब मैंने ले लिया एफ ऑफ ए एक्स। एग्जाम्पल भी समझा दूंगा मैं। मैंने यहां पर पहले मेरा फंक्शन वाई बराबर एफ ऑफ एक्स होता था, लेकिन अब एक्स को मैंने ए से गुणा कर दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन जो है वो कैसे आएगा, तो इसका अवकलन dy by dx होगा और a जो है x के साथ में ये a बाहर आ जाएगा और साथ में अब इसका इसका डिफरेंशिएशन अपन कर लेंगे। f of x का f of a x का डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे। अब इस बात का एग्जाम्पल बताता हूं, इस बात के तो इस बात का एग्जाम्पल दूं मैं यहां पर, तो ये जो लिखा हुआ है यही एग्जाम्पल होता है। लॉग यहां पर ए एक्स, यहां पर ओनली एक्स था, अब यहां पर सपोज दैट 5x हो गया, लॉग 5x यहां पर वैल्यू है, तो इस केस में इसका dy by dx क्या होगा, इसका dy by dx होगा f के x के साथ में कौन है बेटा, यहां x के साथ में a था ना, ये a कोई भी मान हो सकता है, तो यहां x के साथ में 5 है, तो ये 5 जो है वो आगे आ जाएगा और अब हम log x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, चूंकि यहां log x log के अंदर 5x है, तो यहां पर क्या होगा 1 अपॉन 5x हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और फाइनल वैल्यू जो है वो 1 अपॉन x आ गई। ये log की केस है बेटा, log के केस में ही कैंसिल हुआ है, सब केस में कैंसिल नहीं होता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, y बराबर सपोज दैट की sin 5 साइन 10x है, y बराबर साइन 10x है। जब हमारा y बराबर साइन x था तो उसका dy by dx cos x आया था, बट यहां पर तो साइन x नहीं है, साइन 10x है, मतलब x के साथ में 10 है, वहां ये जो 10 है वो a का रोल अदा कर रहा है, तो इसका dy by dx यदि मैं फाइंड आउट करता हूं तो dy by dx फाइंड आउट करने के केस में x के साथ में जो गुणा में होता है वह बाहर आ जाता है, तो यहां पर 10 है ना, तो ये 10 जो है बाहर आ गया और sin का क्या होता है, cos होता है, तो cos और साथ में 10x हो गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यदि कोई भी फंक्शन में x के साथ में मल्टीपल या डिवाइड में कोई वस्तु या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत मान होना चाहिए, तो वह नियत मान उसके आगे एक बार जरूर आएगा। एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, ये लिख दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल की अभी सातवें केस के ही उदाहरण समझा रहा हूं मैं। अभी एग्जाम्पल मैं देता हूं y बराबर e की पावर ट्वेंटी एक्स, तो यहां पर x के साथ में कौन है, 20 है ना, तो इसका dy by dx जो है वो क्या आएगा, इसका dy by dx x के साथ में 20 है, 20 बाहर मल्टीप्लाई में हो जाएगा अब e की पावर 20x, क्योंकि हमने देखा था e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही होता है, तो मैंने सेम टू सेम रख दिया। एक और यदि बात करूं तो मैं यहां पर y बराबर यदि बोलता हूं, y बराबर मैं बोलता हूं cos, y बराबर मैंने क्या बोला cos 15x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx बराबर 15, cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस आ गया साइन और 15x। तो आई होप ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि फंक्शन है, अगर फंक्शन x का गुणा किसी कांस्टेंट वैल्यू से है तो वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है। अब मैं अगर नेक्स्ट और बात करूं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, आठवां पॉइंट है बेटा मेरा, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x, यदि ये केस है मेरा,
तो मैं क्या करता हूँ इस केस में, dy by dx फाइंड आउट करूंगा, और पहले मैं f of x जो है उसकी उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, और उसके बाद में मैं gx का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, gx का भी डिफरेंशिएशन करता हूँ। कब करता हूं ये? जब फलन के अंदर फलन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, उस केस में हम दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो वहां पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं y बराबर साइन और अंदर जो है वो x स्क्वायर है। अंदर क्या है बेटा? x स्क्वायर। अब हमारा जब साइन के अंदर x होता तो मैं मान लेता कि भाई साइन x तो फंक्शन है, लेकिन साइन के अंदर x स्क्वायर है। तो यहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा बेटा? कॉस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तो साइन का हुआ है, एफ ऑफ एक्स का हुआ है, अभी एक्स स्क्वायर का बाकी है। एक्स स्क्वायर का कैसे होगा? एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था आपको कि यदि कोई वाई बराबर एक्स की पावर एन है तो उसका डीवाई बाई डी एक्स कैसे होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो यहाँ x की पावर 10 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2 बाहर आ गया तो ये 2 आ गया और x की पावर 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन था, तो उस केस में मैंने अवकलन उन दोनों का कर दिया। लेकिन यहाँ पर सर दो से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। इसको लिख दीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। अगर मैं बोलता हूं एक नया एग्जाम्पल जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उसके भी अंदर फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं वाई बराबर लॉग है और लॉग के अंदर साइन है और साइन के अंदर ई है और ई की पावर एक्स स्क्वायर है। अब आप देखो यहां पर कितने फंक्शन हो गए हैं। एक तो लॉग का फंक्शन, लॉग के अंदर कौन है? साइन है। साइन के अंदर कौन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल के अंदर भी एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर मैं इसका dy by dx करता हूं तो सबसे पहले मैं log का करूंगा, तो log का dy by dx क्या होगा? log x का 1 upon x हो जाता है, लेकिन यहां पर x की जगह ये पूरी टर्म है, तो ये जो है अपॉन में चली जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा dy by dx का, बड़ा आएगा इसलिए मैं थोड़ा आगे रखता हूं। तो dy by dx का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन साइन e की पावर x स्क्वायर। ये तो किसका काम हो गया? अपने लोग का काम हुआ। चलो, लोग के बाद में कौन आता है? साइन आता है। अब साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाता है, तो साइन का क्या होगा बेटा? कोस हो जाएगा। तो साइन एक्स की जगह यहां पर गुणा में साइन की जगह कोस हो जाएगा, और अंदर क्या है? ई की पावर एक्स स्क्वायर है। ये अभी हमारा साइन का काम हो गया। अब कौन बचा? e की पावर एक्सपोनेंशियली फंक्शन बचा, चर घातांकीय फलन बच गया। अब इस चर घातांकीय फलन का भी यदि मैं अवकलन करता हूं तो आपको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, तो यहां पर ये डिफरेंशिएशन सेम ही होगा, मतलब e की पावर x स्क्वायर ही होगा। अब मैंने एक्सपोनेंशियली का काम कर दिया, अब कौन बच गया मेरे पास में? x स्क्वायर बच गया। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी किया था, x स्क्वायर x की पावर 2 है, तो यहां पर 2 आगे आ जाएगी और x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, यानी 2x, तो मल्टीप्लाई में बेटा 2x हो जाएगा। एक बार वापस देख लो, मैंने सबसे पहले log का किया, 1 अपॉन में आया, sin का किया, cos आया, exponential किया, same to same आया, x square किया, 2x आया।
तो फलन के अंदर फलन है, उसके अंदर फलन है, उसके अंदर फलन है, तो कुछ नहीं करना है, बाहर वाले फलन का अवकलन करो, अंदर चलो, उसका अवकलन, अंदर चलो, उसका अवकलन, अंदर चलो, और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक सारे फलनों का हम अवकलन नहीं कर लेते। सारे फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन करना ही होता है। ये बात आपको समझ में आई? आपको दिख तो रहा है ना साफ? ओके बेटा, अब बात करते हैं हम अगली टॉपिक की। तो आठवां पॉइंट आपका एग्जांपल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब जो छठा एग्जांपल है वो मैं जो नौवीं बात है उसको बताता हूं। y बराबर यदि कोई फंक्शन है f प्लस माइनस जी एक्स, मतलब क्या? मतलब ये कि कोई y बराबर फंक्शन दे रखा है जो f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, या तो वह प्लस हो रहा है या फिर वह माइनस हो रहा है, तो उस केस में हम उसका dy by dx कैसे करते हैं? तो एक बार तो इसका अवकलन कर दो, प्लस माइनस एक बार इसका अवकलन कर दो। एग्जाम्पल से मैं ये बात समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल दे दिया, y बराबर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 7। तो यहां पर बताओ कितने फंक्शन दे रखे हैं? टोटल 3 फंक्शन दे रखे हैं, साइन एक्स, लॉग एक्स और एक्स की पावर 7। तो यहाँ साइन एक्स और लॉग एक्स के बीच में तो पॉजिटिव प्लस का निशान है, और लॉग एक्स और एक्स की पावर 7 के बीच में माइनस का निशान है। तो इसका मैं डीवाई बाई डी एक्स बेटा करूंगा, तो कैसे करूंगा? यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन हमें पता है कॉस एक्स होता है, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस आ गया। लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स होगा, माइनस है, माइनस आ गया। x की पावर 7 है तो यहाँ पर x की पावर n, n की जगह 7 आ जाएगा बाहर, x की पावर 7 माइनस 1 बोले तो 6, तो यहाँ पर 7 बाहर आ गया और x की पावर 6 आ गई। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन अवकलन dy बाई dx। तो ये बात आपको समझ में आई कि प्लस हो या माइनस हो, जो भी हो उसको ऐसे रख दो और अगले वाले फलन का हम अवकलन कर देंगे। अगर अब आगे की बात करें हम, तो आगे बात करें बेटा दसवां पॉइंट। दसवां पॉइंट क्या है? यदि कोई फंक्शन है f ऑफ x गुणा g ऑफ x है, मल्टीप्लाई में यदि कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम कैसे करते हैं, उसका ध्यान रखना आपको। तो बेटा बहुत ही आसान है, इसका dy by dx जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। दोनों फंक्शन है तो एक बार मैं f ऑफ x को ऐसे के ऐसे रख देता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ, और दूसरे वाले का अवकलन कर देता हूँ। मैंने क्या किया बेटा, एक बार f ऑफ x को ऐसे के ऐसे रख दिया, दूसरे वाले का अवकलन कर दिया। अब लगाऊंगा प्लस, अब पहले वाले का अवकलन कर देता हूँ और दूसरे वाले को ऐसे के ऐसे रख देता हूँ। मतलब क्या? मतलब एक बार फर्स्ट को ऐसा ऐसे कैसे रखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड का ऐसे कैसे रखा और फर्स्ट का अवकलन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। तो बाकी सबको तो मैं मिटा देता हूं और दसवें पॉइंट का मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर सपोज दैट कि मेरे पास में कोई फंक्शन है, वो फंक्शन का फॉर्मूला आया है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या आ गया? साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसका अपन अवकलन निकालेंगे, dy by dx निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले वाला जो है उसको तो ऐसे के ऐसे रख दो, साइन एक्स को तो ऐसे ही रख दिया, दूसरे वाले का अवकलन कर दो। तो log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। तो दूसरे वाले का अवकलन 1 अपॉन x हो गया। फिर लगा दिया हमने प्लस।
अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का अवकलन कर देंगे। तो पहले वाले का साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और दूसरे वाले को ऐसे के ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो फंक्शन जब गुणा में होते हैं तब उस केस में हम कैसे अवकलन करते हैं, एक को तो ऐसे के ऐसे रख दिया और दूसरे का हमने अवकलन कर दिया। कुछ एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूँ आपको इसी से रिगार्डिंग, कुछ अच्छे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे और ये जो टॉपिक है वह पर्याप्त मात्रा में आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ यदि आपके पास बुक में उदाहरण पड़े हैं उसको आप मिलाओ और कोई समस्या आती है तो आप मुझे बोलो। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे पहला एग्जाम्पल मेरा है, अब छोटे मोटे एग्जाम्पल नहीं अच्छे लेवल के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे y बराबर, एग्जाम्पल है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस log x प्लस tan x, ये माइनस का ले लेता हूं ताकि दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताओ बेटा इसका डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर ये तो e की पावर x ही रहेगा, log x का अवकलन 1 अपॉन x हो जाएगा, माइनस tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y बराबर फॉर्मूला होता हमारा cos x गुणा tan x तो ज्यादा ex हो जाएगा, तो इस केस में ex छोड़ो, चलो ex ही रहने दो। आप भी कह रहे हैं कि सर मजे ले रहे हैं, dy by dx का फॉर्मूला एक बार फर्स्ट को तो ऐसे के ऐसे रख दिया, अब बेटा देखो यहाँ गुणा है और यहाँ प्लस था और प्लस माइनस था इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया, गुणा है तो उसका नियम क्या होता है, एक बार पहले को ऐसे ही रख दो, दूसरे का अवकलन e की पावर x का तो अवकलन वही होता है, प्लस अब दूसरे को ऐसे कैसे रख दो और पहले का अवकलन, पहला कौन है cos x है, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो माइनस जो है वो आगे आ गया तो ये माइनस हो गया, माइनस sin x हो गया। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई, चलो अब आगे चलते हैं। और मैं यदि बोलूं y बराबर 1 अपॉन रूट एक्स है प्लस रूट एक्स है इसका अवकलन, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां पर x है ना, तो ये x की पावर 1/2 है प्लस x की पावर 1/2 है, ये जो नीचे वाली x की पावर 1/2 है वो ऊपर जा सकती है, जी हाँ, तो x की पावर -1/2 प्लस x की पावर +1/2 यही कंडीशन बन गई हमारी। तो अब क्या करेंगे, इसका dy by dx लेंगे, वो कैसे लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर x की पावर n होता है तो उसका अवकलन dy by dx बराबर n cos तक x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ x की पावर 1 है तो इसका अवकलन क्या होता है, n आ जाता है बाहर, n माइनस 1 हो जाता है। तो dy by dx इसका निकालेंगे तो इसकी पावर -1/2 है वो बाहर आ जाएगी, तो x की पावर जो है वो -1/2 बाहर आ गई और x की पावर अब जो n माइनस 1 है मतलब -1/2 -1 हो जाती है। अब आगे चले तो यहाँ पर 1/2 है तो पावर 1/2 बाहर आ गई और x की पावर 1/2 -1 हो जाती है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखें अपन लोग, तो -1/2 तो है ही है, यहाँ x की पावर आप देखेंगे हाफ माइनस का है और हाफ वन भी माइनस का है तो दोनों एड हो जाएंगे -3/2, तो इसकी पावर हो जाएगी -3/2 +1/2 और इसकी पावर हो जाएगी हाफ में से यदि 1 को घटाऊंगा तो -1/2। आप चाहो तो इनको नीचे लेके जाओगे तो इनकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कितने एग्जाम्पल देखे हैं, आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पलों में यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ये है कि y की पावर 10
और अंदर log है, और log के अंदर e की, log के अंदर x की पावर 100 है। तो इस केस को कैसे सॉल्व करोगे? एक बार dy by dx कर लिया, अब tan का करना है, तो tan का क्या होगा? sec स्क्वायर log x की पावर 100 गुना, ये tan का हो गया, tan के अंदर log, log का करेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 100 हो जाएगा। अब कौन बचा? x की पावर 100 का करेंगे तो x की पावर 100 है, तो dy by dx क्या होगा? 100 बाहर आ जाएगा और x की पावर 100 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की पावर 99 और 100 बाहर आ गया, तो ऊपर ही लिख देता हूं 100 x की पावर 99 हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है ना अब तो, कि भाई कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। देखो मेरे इस वीडियो को आप 2-3 बार देखो तब आपको बातें समझ में आने लगेगी कि एक्चुअल में अवकलन जो है वो कैसे किया जाता है। क्यों? कारण बताऊं, ये टॉपिक आपके लिए बेटा नया है और इस टॉपिक के बिना आप फिजिक्स को कुछ, फिजिक्स में पग पग पर ये टॉपिक आएगा और उस केस में फिर आप अटक जाएंगे, तो आपको ये लेक्चर जो है मेरा रिपीटेड मोड में 2-3 बार देखना है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ अलग टाइप की। क्या बात कर रहा हूं? देखिए ध्यान से सुनिए, यदि मैं बोलता हूं वाई बराबर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स की पावर 3 जे कैप प्लस एक्स की पावर 4 के कैप है, तो इसका डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे आप लोग? तो इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स की पावर 2 है तो 2x आई कैप प्लस, समझ में आया आपको? यहाँ पर 2 तो आगे आ गई, पावर 2 माइनस 1 एक घटाते चलो, तो यहाँ x की पावर 3 है, 3x स्क्वायर जे कैप प्लस 4x की पावर 3 के कैप, क्योंकि मैंने पावर ही घटाई, लग रहा था बड़ा लेकिन बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक और क्वेश्चन, यदि मैं बोलूं y बराबर 50,000 है, तो y बराबर 50,000 है तो इसका dy by dx क्या निकालेंगे बेटा? इसका dy by dx होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि यह नियत राशि है, कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। एक और यदि क्वेश्चन करूं मैं तो dy by dx, सॉरी एक और यदि क्वेश्चन करूं तो y बराबर x की पावर साइन के अंदर 50x प्लस e की पावर x है, अब बताओ यहाँ पर अवकलन क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, dy by dx बराबर, एक बार हम साइन को देखेंगे तो cos 50x प्लस e की पावर x हो जाएगा। अब साइन के अंदर दो फंक्शन है ना, इनका भी हमें अवकलन तो करना ही पड़ेगा। चलो फंक्शन प्लस में है तो यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ, अब 50x का करते हैं, तो 50 तो है ही है बेटा, अब x का करते हैं, x की पावर कितनी है? 1 आ गया बाहर, और x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो x की पावर 0 हो जाएगी, और आपको पता होगा किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 50x का अवकलन ओनली 50 हो जाएगा, प्लस अब e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये होता है बेटा हमारा डिफरेंशिएशन, कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में, इसके अनुप्रयोग, कि हम हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ इसके अनुप्रयोग करते हैं। तो हम बात करेंगे अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के अनुप्रयोग, कि फिजिक्स में हमारा अवकलन कहां कहां आएगा। तो अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, चूंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के ही एप्लीकेशन होगा। फर्स्ट, डबल डिफरेंशिएशन में मतलब दो बार
अवकलन करने में। डबल डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम की टर्म को समझना सीखें। मतलब डबल डिफरेंशिएशन कैसा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो देख लीजिए, यदि कोई फंक्शन एक्स बराबर एक्स की पावर 5 है तो इसका एक बार अवकलन करेंगे। एग्जाम्पल यही समझा देता हूं, वाई बराबर एक्स की पावर 5 है तो इसका डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे बेटा आप लोग। डीवाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका बताया, पावर आगे आ जाती है और एक कम कर दो, तो 5 तो आ गया आगे और एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 5 माइनस 1 हो जाएगी। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार उसका और अवकलन कर दो, तो एक बार और अवकलन किया, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, दोहरा अवकलन। तो दोहरा अवकलन कैसे करेंगे, ये 5 तो कांस्टेंट है, ये बेचारा 5 तो ऐसे के ऐसे हो गया। अब x की पावर 4 का अवकलन करेंगे, 4 आ जाएगा आगे और x की पावर 3 हो जाएगी, एक कम कर दो, मतलब 20x की पावर 3। एक बार और कोई अवकलन पूछे तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। मतलब एक बार और अवकलन किया इसलिए 3 आ गया, 20 तो बेचारा कांस्टेंट है, यहां x की पावर 3 है तो x की पावर 3 है तो 3 आ जाएगी आगे, x की पावर 2 हो जाएगी, मतलब वैल्यू क्या आ गई 60x स्क्वायर। किसने कहा चार बार अवकलन करना है, तो d की पावर 4 y अपॉन dx 4, तो हम क्या करेंगे 60 को आगे रख देंगे और x की पावर 2 है तो 2 आ गया आगे, x आ गया, मतलब 120x। तो आपको चीज समझ में आई, मैं अवकलन की कड़ियां बढ़ा रहा हूं, जितनी घाते लगती है उतनी बार अवकलन करते हैं, लेकिन हमने तो डबल डिफरेंशिएशन लिखा इसलिए दो बार ही अवकलन किया। और कहां यूज करते हैं, और देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे वेग, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बराबर dx अपॉन dt, ये होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और यदि बात करें त्वरण का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a बराबर dv अपॉन dt। तो यहां आप देख सकते हैं dv अपॉन dt क्या हो गया, यहां पर dv का मतलब वेग में परिवर्तन की दर। तो ऐसे बहुत सारे अपने फॉर्मूले आएंगे जहां पर हमें एप्लीकेशन इसका होगा, मतलब अवकलन आना ही पड़ेगा उस केस में हमें सॉल्व करने के लिए। अगर और बात करूं etc लगा दिया, मतलब बहुत सारे ये तो फॉर्मूले होते हैं, और यदि टॉपिक से हटके बात करूं तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, आपके मैथ की कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी ग्राफ दे दिया, सपोज दैट कि यह ग्राफ दे दिया, ये मैक्सिमा पॉइंट है और ये मिनिमा पॉइंट है, मतलब अधिकतम और न्यूनतम बिंदु ज्ञात करने के लिए हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। कैसे, मतलब इस बिंदु पर बात करूं या इस बिंदु पर, दोनों बिंदुओं पर dy by dx जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यह बिंदु या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। फिर आगे की ओर प्रोसेस करते हैं, मैक्सिमा है तो डबल इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पर वैल्यू लेस देन 0 आएगी, मिनिमा के लिए पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो मैक्सिमा मिनिमा, और बात करें तो किसी की जैसे कोई ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ में यहां पर यदि इसकी ढाल ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ये थीटा है, अगर इसकी ढाल जिसको हिंदी में बोलते हो दूसरे नाम से परवणता, इंग्लिश में बोलते हो स्लोप ज्ञात करनी है, स्लोप जो होती है वो होती है बेटा टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ढाल ज्ञात करनी है, स्लोप ज्ञात करनी है, तो हमें dy by dx ही फाइंड आउट करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवकलन का हमारी भौतिक विज्ञान में बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो बिना अवकलन हम भौतिक विज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरा ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको अवकलन में कभी भी कोई समस्या नहीं हो।
बस लेवल आपका फिजिक्स का ही होगा, मैथ का लेवल नहीं होगा। मैथ के स्टूडेंट, अगर आपको अवकलन को और डिटेल में पढ़ना है तो आपके गणित के गुरुजी से संपर्क करें, वो आपके और आपके अवकलन को अच्छा बनाएंगे। ताकि 11वीं कक्षा के कोर्स में अवकलन तो है ही है, और 12वीं कक्षा में जाओगे तो समाकलन होगा, और हमारे फिजिक्स का समाकलन अगली कक्षा में आएगा। अगली कक्षा मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, धन्यवाद।